हम लेके आए हैं आपके लिए एक फ्यूजन सैलड। ये है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का के साथ हमने एक बहुत ही डिलीशियस डिफरेंट डिप के साथ ये सैलड सर्व किए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। पनीर बहुत ही स्पेशल है, फेवरेट है। तंदूरी पनीर हो जाए तो क्या बात है। फूड एंड पैशन की खासियत है फ्यूजन खाना। तो आज हम बनाएंगे तंदूरी पनीर टिक्का के साथ एक कॉन्टिनेंटल बहुत ही डिफरेंट सैलेड के साथ। तो सिर्फ इस अगले रेसिपी में बनाए चिटकी में हम बने आपके प्यार से। तो चलिए बनाते हैं तंदूरी पनीर टिक्का सैलड। बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को जो है मैरिनेट करेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल। अगर आप सरसों तेल यूज़ नहीं करते हो तो अवॉइड कर सकते हो, बट सरसों तेल से बहुत ही अच्छा एक स्वाद और खुशबू फ्रेगनेंस आती है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/8 यानी 1/4 से भी कम हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ये है रोस्टेड जीरा पाउडर यानी भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, 1/2 इंच घिसी हुई अदरक, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है, इसको हम इस ढंग से क्रश करते हुए इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट यानी काला नमक यूज़ कर रही हूँ। आप इवन नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हो। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ भुना हुआ बेसन। भुना हुआ बेसन से बहुत ही अच्छी एक खुशबू और फ्रेगनेंस आती है। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही हंग कर्ड। इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरे पास 200 ग्राम पनीर है, इसको हमने इस ढंग से थोड़ी थिक स्लाइसेस में कट कर ली है। अब इसको इस मैरिनेशन में हम डालेंगे और अच्छे से मैरिनेशन को जो है इसके ऊपर कोट कर लेंगे। हाथों का यूज़ करते हुए करेंगे, इससे कोटिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाती है। हम इसी तरीके से सारे पनीर के पीसेस में मैरिनेशन को जो है अच्छे से कोट कर देंगे। इन द मीन टाइम मैंने कोयला यानी कोल यानी चाकोल को गैस के ऊपर गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें हम चारकोल की थोड़ी सी धुनी देंगे जिसमें इसका टेस्ट जो है और भी एनहेंस हो जाएगा। ये चारकोल कोयला हमारा गरम हो गया है, इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा घी और तुरंत इसका ढक्कन जो है हम बंद कर देंगे ताकि ये धुनी अच्छे से हमारे पनीर के अंदर आ जाए। इसे हम मैरिनेट होने देते हैं और आधे घंटे के लिए हम साइड में छोड़ देते हैं। हमने पनीर को आधा घंटा रख दिया था, बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है और एक अच्छी खुशबू भी आ रही है जस्ट बिकॉज हमने इसको चाकोल से अच्छे से धुनी दे दी थी। हम पनीर को ग्रिल करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं बटर लगा ले रही हूँ नीचे। एक ग्रिलिंग पैन में हमने बटर लगा लिया है और अब इसके ऊपर जो हमने मैरिनेट किया था पनीर को, इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और इसको हम ग्रिल करेंगे। अब इसको हम एक तरफ से ग्रिल होने देते हैं, फिर इसको फिर से हम पलटेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल हो जाए। अब इनको हम धीरे से पलट देंगे क्योंकि हमारा पनीर बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत ध्यान से धीरे से हम इसको पलटेंगे। इसी तरीके से मैं सारे पनीर को पलट देती हूँ। मैंने 2.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। ये मेरे पास करीबन 15 से 20 कलियां लहसुन की है और ये मेरे पास 3 साबुत लाल मिर्च हैं। अब हम डिप की तैयारी करेंगे। तेल गरम हो गया है और इसमें हम इन जो लहसुन है उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए कलर आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्च की मात्रा आप कम बेसी कर सकते हो एज़ पर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसको हम कुछ सेकंड के लिए और कुक करेंगे। अब इनको एक बोल में हम निकाल लेंगे बाहर। इस ऑयल को हम फिर से यूज़ करेंगे, आगे देखते हैं इसका यूज़ कैसे लेते हैं हम।
अब हम डिप की तैयारी करते हैं। मैंने लिया है दही, मैं 3 बड़े चम्मच इसमें डाल रही हूँ दही एक ब्लेंडर के अंदर। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती, थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, और ये जो हमने मिर्ची और लहसुन को फ्राई किया था ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये रेड चिल्ली सॉस है, ये हम थोड़ा सा डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस डाला है और 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड सॉस। जिस ऑयल से हमने फ्राई किया था 1 टीस्पून हम वो ऑयल डाल देंगे इसमें। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ केचप, स्वाद अनुसार नमक, और अब इन सबको हम ब्लेंड करेंगे एक फाइन पेस्ट की तरह। इस डिप को एक बोल में हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो हमारी पनीर बहुत अच्छे से ग्रिल हो गई है। इसको अब हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। जिस ऑयल से हमने लहसुन को फ्राई किया था वही ऑयल लिया मैंने, 1.5 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है। ये मैंने अनियन को ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये 1 अनियन है, बड़ा अनियन मैंने लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अनियन। अब हम सैलेड को जो है सौथे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अनियन और उसको सौथे करेंगे 1 मिनट के लिए। मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, ब्रोकली है, ग्रीन बेल पेपर है, ये रेड बेल पेपर है और ये येलो बेल पेपर है, इन सबको मैं डाल रही हूँ। आप इसमें जुकीनी भी यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इन सबको हम 1 मिनट और सौथे करेंगे। मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स है, ये रेड पेपर है और एलोपिनोज है, ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप इवन इसमें ब्लैक ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ पिज़्ज़ा हर्ब, ये रेड चिल्ली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक। इन सबको हम मिक्स करेंगे और फ्लेम को अब हम करेंगे बंद। ये हमारी सैलेड जो है अच्छे से सौथे हो गई है। हमें इसको क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बोल में। आइए सैलेड को असेंबल करते हैं। मैं इसको 2 तरीके से आज सर्व कर रही हूँ। सबसे पहले हम एक नॉर्मल तरीका सर्व कर रहे हैं, ये मैंने पनीर रख दी है, इसके ऊपर हम ये सैलेड को रख देंगे और अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो डिप हमने तैयार की है उसको। ये मेरे पास कैबेज के लीव्स है, कैबेज के लीव के अंदर भी बहुत अच्छा लगता है ये सैलेड सर्व किया हुआ। तो ये एक लीफ लेंगे हम, इसके ऊपर हम ऐसे पनीर को रखेंगे, सैलेड को इसके ऊपर डालेंगे अच्छे से, और ये जो डिप हमने बनाई है ये भी इसके ऊपर हम अच्छे से डाल देंगे। खाने के वक्त ये डिप अच्छे से मिक्स करते हुए हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों रेडी हमारी बहुत ही डिलीशियस डिफरेंट पार्टी स्टाइल ये सैलेड, जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, टिल देन कविता रेडी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।